दीवाने से हिसार जा रही प्राइवेट बस के सामने अचानक करोड़ों से भरा ट्रैक्टर आ जाने से बस का टायर फट गया और बस पलट गई। घटना की बात करें तो सैयद पीर जाट लुहारी गांव के नजदीक की घटना बताई जा रही है। इस दौरान बहुत से लोगों की डेथ हो गई। संख्या जो बताई जा रही है वो अब तक रिपोर्ट लिखे जाने तक 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। भिवानी डीसी और भिवानी एसपी मौके पर पहुंचे हैं और हॉस्पिटल की बात करें तो भिवानी हॉस्पिटल में लगातार पेशेंट पहुंच रहे हैं और उनको रेफर भी किया जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल्स में। कुछ ऐसी खबर भी है कि कुछ घायलों को भिवानी हॉस्पिटल में लाया गया तो कुछ घायल हिसार के हॉस्पिटल में भी ले जाए गए। देखिए ये रिपोर्ट। ये लोहारी जाकू में एक्सीडेंट हुआ है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बस थी तो जिसमें 60 के आसपास पैसेंजर थे, इसमें 4 की डेथ हुई है और 11 टोटल 11 यहाँ हैं और 4 पेशेंट रेफर भी किए हैं और इस तरीके से सभी का इलाज प्रॉपर, डॉक्टर सभी प्रेजेंट हैं, सारा स्टाफ प्रेजेंट है, इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर हादसे की वजहों की जानकारी हो पाई है किस वजह से? हादसा ओवर स्पीड थी गाड़ी, ओवर स्पीड के कारण ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल हुई नहीं और ओवर स्पीड के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी आई है तो उसमें यही आया है कि ओवर स्पीड के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है और बाकी जो पेशेंट आगे जो इंजर्ड हैं जिनको हमने रोहतक रेफर किया है उनके साथ प्रॉपर एम्बुलेंस में मेडिकल स्टाफ है और कोई दिक्कत किसी को नहीं आने दी जाएगी और जो यहाँ पर हैं उनके भी इलाज में पूरी तरह से उनको यहाँ पर। हालांकि नेशनल हाईवे 148 भी है सर, इसके बावजूद अगर सड़क की बात करें, ये सड़क जो है स्टेट हाईवे से भी बदतर है, दोनों तरफ जो है भारी तादाद में जो पेड़ खड़े हैं, ऐसे में हादसों का अंदेशा तो लगातार बना रहता है। पीडब्ल्यूडी विभाग भी शायद इसे और चाहे NHAI की बात करें वो भी कौन सा, क्योंकि हादसों के बाद प्रशासन भी जागता है, विभाग भी जागता है, क्या कहेंगे सर, कोई कार्रवाई की जाएगी? देखो इसके लिए रेगुलर रोड सेफ्टी की मीटिंग भी ली जा रही है और उसमें जो भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको ठीक किया जाता है और कंसर्न विभाग की अगर जिम्मेवारी है, कहीं लापरवाही है तो रोड को ठीक करने में उनकी जिम्मेवारी भी फिक्स की जाती है और बाकी ओवर स्पीड के बारे में भी बार बार रिफ्रेशमेंट कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं रोडवेज के द्वारा भी और सेक्रेटरी RTA के द्वारा भी कि आप ओवर स्पीड ना चलाएँ, गलत ओवरटेक ना करें और जो मेजर एक्सीडेंट के कारण हैं आज के दिन ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना, तो इनके बारे में सभी को अवेयर होना पड़ेगा और ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। हिसार भी बताए जा रहे हैं रेफर किए हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी चाहे हिसार जिंदल हॉस्पिटल है या अग्रवा हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज रोहतक है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो करवाएंगे और सारा एम्बुलेंस हमारी तैयार है और इसके साथ मेडिकल स्टाफ पूरा उनके साथ जाएगा। पर्सनली मैं और SP साहब पेशेंट से मिले हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और अब हम यही हैं काफ़ी देर जब तक सड़क सारी सड़क हादसे में अक्सर देखा जाता है मृतकों को मुआवजा इत्यादि दिए जाने की, क्या कोई प्रशासनिक तौर पर या विभागीय तौर पर? हाँ उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पॉलिसी है, सड़क हादसे में कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है तो और ड्राइवर अनट्रेसेबल है कोई व्हीकल तो उसमें है और भी जो भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो सहायता होगी पूरी तरह से सभी को दी जाएगी। थैंक यू सर। सर जो हादसा हुआ है क्या सूचना मिली, कितने घायल हुए हैं? ये एक प्राइवेट बस है जो ओवर स्पीड में थी, जाटू लोहारी गांव के पास हमारी ERV इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल 112 डायल 112 उनको सूचना मिली और तुरंत वहाँ पे पहुँचे और साथ में जितने भी यात्री उसमें फंसे हुए थे सबको बाहर निकाला और हॉस्पिटल में पहुंचाया, साथ में एम्बुलेंसेस को भी बुला के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाते हुए सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। हॉस्पिटल में आके हमें सूचना मिली है कि 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, साथ में 4 लोगों को उच्च जो चिकित्सा सुविधाएँ उनके लिए रेफ़र कर दिया गया है, बाकी सभी का इलाज यहाँ हॉस्पिटल में सुचारू रूप से चल रहा है।
प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है ताकि कैजुअलिटी मिनिमम हो, जो भी है उनका उपचार अच्छे तरीके से हो। सर कितने लोग? देखिए यहाँ हॉस्पिटल से 4 लोगों को PGI रोहतक रेफर किया गया, उसके अलावा कुछ लोगों को डायरेक्टली हिसार भी ले जाया गया है। जो इंजरी जिनकी माइनर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चले गए हैं, परंतु यहाँ पे बस यही कहना है कि 3 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है और आगे की कैजुअलिटी ना हो इसके लिए पूरे उपचार किए जा रहे हैं। ड्राइवर की क्या पोजीशन है? ड्राइवर की गलती है, उसकी गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, सबसे पहले हमारा टारगेट था कि जितने भी इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुँचाए, उनकी जान बचाई जाए। उसके आगे की प्रक्रिया, FIR करने की प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया हम करेंगे। जिनको भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।